हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रोफेसर वीएम कुलकर्णी। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ गेसिंग क्वेश्चन बैंक फॉर द सब्जेक्ट आईईक्यू। आईईक्यू के लिए मैं एक गेसिंग क्वेश्चन बैंक आपके लिए लेके आया हूँ, और इस क्वेश्चन बैंक के लिए मुझे जो हेल्प किया है वो हेल्प किया है प्रोफेसर बीए बुरकुले सर ने, जिन्होंने एक क्वेश्चन बैंक बनाने के लिए मुझे काफ़ी सारा हेल्प किया है। तो इस क्वेश्चन बैंक के बाद मैं आपके लिए गेसिंग क्वेश्चन पेपर भी आईक्यू का लेके आने वाला हूँ। तो लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। पहले वाले वीडियो में हमने देखे थे कि मैंने कल जो डाला था इंडस्ट्रियल हाइड्रोलिक्स न्यूमेटिक्स का गेसिंग क्वेश्चन बैंक डाला है, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग का डाला है, और आज मैं आईक्यू का गेसिंग क्वेश्चन बैंक जो है वो डालने वाला हूँ। सारे क्वेश्चन बैंक होने के बाद मैं क्वेश्चन पेपर भी इसका डालूंगा, उसके बाद उसका सॉल्यूशन भी लाने वाला हूँ। और इसी के साथ जो हमारा फोर्थ सेम है, रेगुलर सेम, तो उसके भी गेसिंग क्वेश्चन बैंक जो है वो भी उसके प्रिपेयर हो चुके हैं, उसके भी वीडियो जल्दी आपके पास आ जाएंगे। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आपके सब्सक्रिप्शन से मुझे मोटिवेशन मिलता है, और हम जो ये 2 साल से कर रहे हैं तो इससे बहुत से बच्चों का काफी फायदा हो चुका है, और मैं 1000 सब्सक्रिप्शन अभी जल्द ही पूरे करने वाला हूँ। तो आप सबके सपोर्ट से तो अब मेरा 1000 सब्सक्रिप्शन भी होने वाला है। तो प्लीज सपोर्ट कीजिए, मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट भी कीजिए। थैंक यू। सो लेट स्टार्ट अवर वीडियो। तो अभी देखते हैं क्वेश्चन बैंक फॉर आईक्यू। तो ये सारा क्वेश्चन बैंक बनाते वक्त हमने लास्ट के 4 क्वेश्चन पेपर रेफर किए, तो उसमें से ही सारा क्वेश्चन बैंक हमने बनाया है, और इसी के ऊपर से हम क्वेश्चन पेपर भी बनाने वाले हैं। तो देखिए, पहला वाला क्वेश्चन होता है अटेम्प्ट एनी फाइव। मैं हर बार हर वीडियो में कहता हूँ, क्वेश्चन वन के लिए जो ऑप्शंस होते हैं वो बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, दो दो मार्क के पूछे जाने वाले सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। तो इसके लिए क्वेश्चन वन के अंदर बहुत सारा इंक्लूडेड क्वेश्चन बैंक जो होता है बहुत ज्यादा होता है, वराइटी बहुत ज्यादा होती है इसके अंदर। तो देखिए, स्टेट द नीड ऑफ इंस्पेक्शन, डिफाइन अर्गोनॉमिक्स, ड्रॉ द सिंबल ऑफ फॉलोइंग थर्पलिंग, ट्रांसपोर्ट लोडेड सर्च। तो ये सारे सिंबल्स आपको ड्रॉ करने, तो ये सारे क्वेश्चंस हैं दो दो मार्क के लिए जो पूछे जाते हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस हम पढ़ेंगे नहीं, आप वीडियोस को पॉज करके ये सारे क्वेश्चंस आप देख सकते हो। और क्या होता है कि बहुत सारे बच्चे कमेंट में बोलते हैं कि मुझे पीडीएफ चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, लेकिन क्या होता है कि हर बार हर बच्चे को सेंड करने का पॉसिबल नहीं हो सकता। जितने बच्चों को पॉसिबल होता है उनको हम सेंड करते हैं, बाकी बच्चों ने प्लीज यहाँ से वीडियो को पॉज करके आप देख लीजिए। और इसके बाद गेसिंग क्वेश्चन पेपर आने वाला है, तो मेनली वो जो है गेसिंग क्वेश्चन पेपर, उसके उसके ऊपर आप ज्यादा फोकस कीजिए। तो ये क्वेश्चन बैंक, अगर आपने किसी ने किसी बच्चे ने पूरा क्वेश्चन बैंक सॉल्व कर लिया तो वो पूरा पेपर इजीली अटेम्प्ट कर सकता है, अटेम्प्ट पूरा पेपर अटेम्प्ट कर सकता है इजीली। तो ये सारा क्वेश्चन वन का मटेरियल है। तो क्वेश्चन वन के अंदर देखिए इतने सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं, सारे प्रोबेबल क्वेश्चन इसके अंदर हमने डाल दिए। अभी आता है क्वेश्चन नंबर टू। तो क्वेश्चन नंबर टू के अंदर एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ बैलेंसिंग मैन मशीन रिलेशनशिप इन टर्म्स ऑफ अर्गोनॉमिक्स, सैम्पलिंग, 100% इंस्पेक्शन, 4 पॉइंट्स पूछा है, कंपेयर एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग्स विथ 100% इंस्पेक्शन, कॉस्ट। तो ये सारे 4 मार्क के क्वेश्चंस थे, वो सारे 4 मार्क के क्वेश्चन इसके अंदर। अभी ये वाला क्वेश्चन देखो रिपीट हुआ है, लेकिन ये 4 सिंबल पूछे थे तो 4 यहाँ पे डाले हुआ, पहले वाले क्वेश्चन में 2 ही पूछे थे। तो ये पूरे क्वेश्चन का बैंक है, पूरा क्वेश्चन बैंक आप देखिए अच्छे से। अगर एक क्वेश्चन बैंक करेंगे ना तो कोई क्वेश्चन पेपर करने की जरूरत नहीं है आप, तो पूरा सारा मटेरियल इसके अंदर इंक्लूडेड है। ये क्वेश्चन नंबर 3, इसके अंदर भी एनी 3 सॉल्व करने, 4 4 मार्क के क्वेश्चन होते हैं, तो ये सारे 4 4 मार्क के क्वेश्चन हमको इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर जो जो आने वाले चैप्टर नंबर 3 से 4 से 5 से सारे इसके अंदर इंक्लूड किए हैं। कैलकुलेट द प्रोजेक्ट ड्यूरेशन, अटेम्प्ट, क्वेश्चन नंबर 4 जो होता है अटेम्प्ट एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग। तो कभी कभी यहाँ पे अटेम्प्ट एनी 3 भी होता है, तो क्वेश्चंस का लेवल उस तरह से हो जाता है। अगर यहाँ पे अटेम्प्ट एनी 3 आया तो क्वेश्चन का लेवल जो होता है वो 4 मार्क का होगा, अगर अटेम्प्ट एनी 2 आया तो क्वेश्चन का लेवल यहाँ पे 6 मार्क का हो जाता है। तो ये सारे क्वेश्चन से प्रॉब्लम से सारे ड्रॉ सी चार्ट, इसके भी प्रॉब्लम है, एक्सप्लेन इंपॉर्टेंस ऑफ टीक्यूएम, ड्रॉ
राइट द एनी टू एडवांटेजेस एंड लिमिटेशन ऑफ आईएसओ 9000, वेरिएबल कंट्रोल चार्ट, एट्रीब्यूट कंट्रोल चार्ट बेस्ड ऑन एनी फोर पैरामीटर्स। तो ये सारे क्वेश्चंस हैं, आप देख सकते हो सारे क्वेश्चंस। इन सारे क्वेश्चंस का आपको आंसर भी मिलेगा, लेकिन आंसर इन सारों का नहीं मिलेगा, जो गेसिंग क्वेश्चन पेपर होगा उसके ही आंसर हम देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5, इसके भी अंदर एनी टू है, सिक्स सिग्मा, पोकायो के, 7 QC टूल्स, वन विथ अप्रोप्रिएट एग्जाम्पल। तो ये सारे क्वेश्चंस जैसे क्वेश्चन पेपर में पूछे थे उसी हिसाब से इसके अंदर पूरे डाले गए हैं, आप देख सकते हो। तो ये सॉल्व करके आपको क्या बेनिफिट होता है, जो जो बच्चे टॉप करने वाले हैं उनको उनका लेवल पता चल जाता है कि हम कितना अटेंड कर सकते हैं, और जिन बच्चों को टॉप करना है उनको सिर्फ 70 मार्क का अटेम्प्ट करके नहीं चलता, पूरा ऑप्शन भी इसके साथ कवर हो सकता है। आप अगर ये सिर्फ क्वेश्चन बैंक आपने किया तो सारे ऑप्शन भी आप कर सकते हो, इतना मटेरियल इसके अंदर है, और ये थर्ड ईयर वालों के लिए काफी जरूरी है। तो ये पूरा हमारा क्वेश्चन बैंक हो गया है IEQ का, तो इसको आप रेफर कीजिए एज ए स्टडी मटेरियल। ये सारे क्वेश्चंस आप सॉल्व करके देखिए कितना आपको आता है कितना नहीं आता है। और बहुत सारे टीचर्स मेरे वीडियोस देखते हैं, तो मैं उन टीचर्स को भी रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज ये वीडियोस आप बच्चों तक पहुंचा दीजिए, बच्चों का काफी फायदा आप इससे हो सकता है। तो पेपर के पहले एज ए प्रैक्टिस के तौर पर ये पूरा आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, वीडियोज के साथ बने रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।